15-20 साल से चला रहे हैं, मतलब कमाई कुछ हो नहीं रही है। ढाई दिन में काम होता है, कम से कम 400 रुपये काम होना चाहिए दिन भर में, अब तक कुछ राहत मिलेगी। जो बुनकर मजदूर हैं, हाँ, वो सरकार उनको कुछ सुविधाएं दे रही है? नहीं, कुछ नहीं दे रही है, बस जो यही काम हो रहा है लूम वाला, बस यही काम चल रहा है। बुनकर अब यही से अपना कैसे भी मतलब जो मतलब कम खा के, थोड़ा कम खा के अपना लड़के बच्चे परवरिश करते हैं। सर मैं लूम जो चला रहा हूँ 18 साल से लगभग, और जो है कोई सुविधा नहीं, जैसे लाइट रहती है तो जो काम होता है, अगर लाइट नहीं है तो पेट भी नहीं चल रहा हम लोगों का। या मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं जो है, उसका शौक भी हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जो अभी बीमार पड़ गए दवा दर्पण के लिए। अगर लाइट है तो जो है कमाई होती है, नहीं तो नहीं होती है। बच्चे भी दवा बिना भी जो है इलाज हम लोग नहीं कर पा रहे। दिन रात मेहनत कर टांडा को बुनकर नगरी के रूप में पहचान दिलाने वाले मजदूर हकीकत में इस समय बदहाली के शिकार हैं। पूरे दिन दिहाड़ी करने के बाद मजदूरों को बामुश्किल से 200 से 250 रुपए की इनकम होती है, जिससे उनका परिवार चलाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे हालत में न तो पूंजीपतियों द्वारा और न ही सरकार द्वारा मजदूरों का ख्याल रखा जा रहा है। और तो और, इन मजदूरों को ये भी नहीं पता कि श्रम विभाग के फायदे क्या और कानून क्या हैं। अनुराग चौधरी, ईटीवी भारत, अम्बेडकर नगर।